अज़म है और कैसे आप सब लोग। मैं भी फ़िलहाल ठीक ही हूँ और काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस नहीं डाली है अपने चैनल पे। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी अगस्त में और उसके बाद मैंने कोई वीडियो डाली, उन सब का एक रीज़न है। और उससे पहले भी मैं वीडियो काफ़ी कम कर दी थी डालना, तो मैं कहाँ कर रहा था, क्या कर रहा था, मैं क्यों नहीं डाल रहा था वीडियो, सब इस वीडियो में बताऊँगा। और इस वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा, क्या क्या चीज़ें की, आगे क्या करना है इस चैनल का है, क्या नहीं करना है, वो सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह देता हूँ कि वीडियो पूरी हिंदी में रहेगी। अगर इंग्लिश में देखना चाहते हो तो आई एम सॉरी, अब हिंदी का ट्रेंड बढ़ चुका है तो सोच रहे हैं कि ट्रेंड के साथ ही चलते हैं। आप में से भी कितने सारे लोगों ने बोला हिंदी में वीडियो डालो भाई, हिंदी में डालो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो भाई आज मैं हिंदी में डाल रहा हूँ और अब से मैं हिंदी में ही डालूंगा वीडियोज़। तो फिलहाल अब मैं बता देता हूँ कि मैं इतने टाइम से वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहा था। रीज़न ये है कि मैं कोलैबोरेट कर रहा था अपने दो तीन दोस्तों के साथ और मैं शॉर्ट मूवीज़ बना रहा था कोई स्टोरीज़ पे। तो वो वीडियोस भी मैंने बनाई हैं और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने भी एक्टिंग की है जो एक हॉरर वीडियो है, एक शॉर्ट हॉरर मूवी जो कंसेप्ट पे बेस है, और आगे उसकी सीरीज़ हम कंटिन्यू करना चाह रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं बीमार पड़ गया, तो मैं बीमार हो गया, मेरे फेस पे सिस्टिक एक्ने हो गया और उस वजह से मैं थोड़ा सा एंग्जाइटी और हल्का सा डिप्रेशन, मतलब वैसा डिप्रेशन नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह मेरे को हुआ। उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हुए अगस्त में, तब टाइम टेबल इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि सुबह 8 बजे से क्लास होती, शाम को 6 बजे तक, 4 बजे तक, तो उसका टाइम मिल ही नहीं पाता। और मैं बीमार भी चल रहा था तो मैं फ़िलहाल थक जाता था, मैं सो जाता था, मैं यूट्यूब पर ध्यान ही नहीं दे पाया। तो अब एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ फिर से स्टार्ट करूँगा वीडियोस डालना, मैं ऐसे बीच में छोड़ना नहीं चाहता आप सबको और इस चैनल को। तो फिलहाल आगे मेरे को वीडियोस इस पर कंटिन्यू करनी है, मैं ये नहीं करूँगा कि मैं चैनल बंद कर दूँगा, नहीं, मैं वीडियोस डालूँगा, हिंदी में डालूँगा। और अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो कोई अगर आपको चाहते हो कि इंग्लिश में बनाओ तो मैं वो बना दूँगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मैं हिंदी में डालूँगा। फ़िलहाल अभी मैंने एक नया पीसी बिल्ड किया है, गेमिंग पीसी, जिसके स्पेक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर मैं बता दूँ तो बता देता हूँ, राइजन 2700X, RTX 2070 8GB ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया का, और है 32GB रैम, 2TB हार्ड डिस्क, X470 चिपसेट मदरबोर्ड, और है टेम्पर्ड ग्लास केस वाला CPU। और उसके अलावा मैंने एक माउस ख़रीदा है, लॉजिटेक का गेमिंग माउस, उसका मॉडल मैं भूल गया, शायद G502 है उसका मॉडल, और वो RGB फ्यूज़न के साथ है, मींस उसका जो लोगो है उसमें RGB लाइट है, सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो सकता है। और ये गेमिंग हेडफोन्स फ़िलहाल मैंने 2 दिन पहले ख़रीदे हैं, वो है रेड गियर के, और उसके भी मतलब उसमें भी साइड में RGB लाइट्स वगैरह है तो अच्छा लगता है। और उसके अलावा मैंने मेरे फादर के लिए ओनर रेटेक्स ख़रीदा, मैंने उसकी वीडियो भी नहीं बनाई, मैंने बनाना चाहता था पर मैं नहीं बनाई उसकी भी अनबॉक्सिंग वगैरह। पर हाँ, उस फ़ोन पे मैंने स्किन लगाई है और एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया, एक दूसरी कंपनी है स्किन की, तो उसकी वीडियो भी आएगी ज़रूर। और हो सका तो मैं कोशिश करूँ कि गिव अवे करूँ एक स्किन का आप सबके लिए, ताकि आप अपने फ़ोन में लगा सको। तो ये था पूरा कि मैं वीडियो क्यों डाल रहा था, आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या डालूँगा। और वीडियो ज़रूर आएगी अब से, तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन जो आइकन है बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, क्योंकि कई बार आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है। और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया बताना कि मैंने व्लॉग्स बनाना भी स्टार्ट किए थे, बहुत पहले व्लॉग्स बनाए थे मैंने, अब फिर से व्लॉग बनाया, मैं गोवा गया था तो वहाँ पे मैंने व्लॉग बनाया, तो उसका चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। गोवा का व्लॉग देखना चाहते हो या एक साल पहले जो चेन्नई का व्लॉग बनाया था, गोवा मैं गया था 10 दिन पहले, तो तब बनाया था मैंने, काफ़ी मज़ा आया था और व्लॉग्स में मज़ा ही आएगा, आप देखना ज़रूर। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।